आज के इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी कंपनी के बारे में जो कि आपको SBI का मिनी स्टेटमेंट देती है। जी हाँ, आपको लाइव हम मिनी स्टेटमेंट निकाल के दिखाएंगे, तो जानेंगे वो कौन सी कंपनी जो SBI के मिनी स्टेटमेंट दे रही है। लाइव हो चुकी है और हम इस वीडियो में लाइव एक स्टेटमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निकाल के दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर कोई वीडियो को स्किप करते हैं तो कुछ मेन पॉइंट जो आप छूट जाते हैं, जिसकी वजह से आप सही से नहीं निकाल पाते। तो चलिए शुरू करते हैं और SBI का मिनी स्टेटमेंट निकालना हम सिखाते हैं। SBI का मिनी स्टेटमेंट अभी जो दे रही है वो स्पाइस मनी दे रही है। जो स्पाइस मनी का आईडी अगर आपके पास है तब स्पाइस मनी के द्वारा स्टेट बैंक की मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते, कब अकाउंट में कितना रुपया आया, कितना विड्रो हुआ, पूरी चीज़। अगर आपके इसके पास इसका आईडी नहीं है तो इसका आईडी टेलर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस नंबर को कॉन्टैक्ट कर कम से कम प्राइस में आप अपना स्पाइस मनी आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं। जब स्पाइस मनी आईडी ओपन हो जाने को लॉगिन हो जाए कुछ इस तरह का, यहाँ पे AAPS मिलेगा या यहाँ पे भी आपको AAPS मिलेगा। AAPS पे क्लिक करेंगे, जैसे आप AAPS पे क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैश विड सर्विस में, तो यहाँ पे कैश विड्रो है, मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी, तो यहाँ मिनी स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ बायोमेट्रिक डिवाइस जो भी आपके पास वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई सा मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर देंगे जिसका आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर सकते, नहीं तो आप यहाँ पे लिस्ट से भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया तो उसके बाद फिंगर स्कैन फिंगरप्रिंट एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके मशीन पे लाइट जलेगी, कस्टमर से फिंगर लगवा लेगी जिसका मिनी स्टेटमेंट निकालना है। उसके बाद कुछ इस तरह सेंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं ये मिनी स्टेटमेंट आपके सामने, और बैंक का नाम देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे अवेलेबल बैंक में जो बैलेंस है वो देख सकते हैं। और नीचे आएंगे यहाँ पे 9 ट्रांजेक्शन आपको दिखा देंगे, क्रेडिट मनी रुपया आया, डेबिट मनी रुपया कटा, तो ये डेट देख सकते हैं यहाँ पे 29/06/2017, यानी कि साल मंथ डे मंथ ईयर सभी आपको डेट मिलेगा, और स्टेटमेंट मिलेगा क्रेडिट डेबिट ट्रांजेक्शन रिमार्क और अमाउंट, यहाँ पे जो रुपये आया उसमें प्लस है, जो कटा है उसमें माइनस है। तो ये आप देख सकते हैं 100% यहाँ पे स्टेट बैंक की ये मिनी स्टेटमेंट मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। इसी तरह आप सभी बैंक का स्टेटमेंट लाइव निकाल सकते हैं। अब इसको कस्टमर को यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट करके दे सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसी तरह आप स्टेट बैंक के भी मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं स्पाइस मनी के द्वारा। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलने वाली, जैसे रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, AAPS, आधार पे, बिल पेमेंट, LIC, IFKO किसान, बहुत सारी सर्विस आपको स्पाइस मनी के साथ मिल जाएगा। अगर इसका आईडी लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने दुकान को डिजिटल दुकान बना सकते हैं।